हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल वेक्टर एजुकेटर्स पर, और मैं हूं आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ का एजुकेटर नवदीप सिंह। आज हम चर्चा करने वाले हैं जनरल स्टडीज़ के 2020 शो नंबर 04 की, और डिस्कशन करते हुए जल्दी से आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। द पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन ऑफ सन अराउंड द सेंटर ऑफ गैलेक्सी इज कॉल्ड। आकाशगंगा के केंद्र के चारों तरफ सूर्य की एक परिक्रमण की अवधि को क्या कहा जाता है, और इसका सही आंसर है कॉस्मिक ईयर। याद रखिए, कॉस्मिक ईयर इज़ द राइट आंसर, और कॉस्मिक ईयर को कभी कभी गैलेक्टिक ईयर भी कहते हैं, ये भी याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। अब देखें, अगर आप इस पूरे इमेज को देख करके एक अंदाज़ा लगा पा रहे हैं, तो इमेज से आपको अंदर की तरफ जो सबसे ज़्यादा लाइटेड पार्ट है वो बता रहा है कि ये मिल्की वे गैलेक्सी है। इस मिल्की वे गैलेक्सी के चारों तरफ सूर्य को यदि एक परिक्रमा लगानी है, जो कि येलो कलर से दिखाया हुआ है, पीले कलर से सन का ऑर्बिट, इसे पूरा करने में, मिल्की वे गैलेक्सी के चारों तरफ परिक्रमण पूरा करने में सूर्य को 225 से 250 टेरेस्ट्रियल ईयर्स लगते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा टेरेस्ट्रियल ईयर्स क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, दैट द सन स्पॉट्स कॉज, सूर्य के धब्बों से क्या होता है। अब देखिए, ये चारों ऑप्शंस हैं आपके साथ, ऑरोरा बोरेलिस या ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, सूरज की सतह पर चुंबकीय तूफान, या ध्रुवीय ऑरोरस, या इसके अलावा सारे के सारे। एक्चुअली बात यह है कि सूर्य के धब्बों से ये सब कुछ होते हैं, यानी आंसर नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। और अब इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ये सन स्पॉट्स बनते क्यों हैं और इसके पीछे की कहानी क्या है। सबसे पहले, सूर्य में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फोटोस्फीयर में जनरेट होता है, बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और जो सोलर विंड सूर्य की तरफ से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज्ड होने की वजह से आ करके और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को एक्साइट कर देते हैं, उन्हें कहा जाता है ऑरोरस। यानी कि सूर्य के ऊपर जो तूफान उठा, उस तूफान में से कुछ ऐसे आवेशित पार्टिकल, आवेशित कण आए, जो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के माध्यम से हमारे एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को एक्साइट करते हैं। एक्साइट का मतलब उसे बल देते हैं आगे बढ़ने के लिए, उसे ऑरोरस कहते हैं। अब ये ऑरोरा बोरेलिस क्या है और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं गैलीलियो की। गैलीलियो ने 1619 यानी सन 1619 में, जब सूर्य के ऊपर जो सतही हवाएं हैं, उन सतही हवाओं में नॉर्थ विंड का नाम दिया, तो नॉर्थ विंड का नाम उन्होंने अपने रोमन गॉडेस, यानी जो रोम की देवी हैं, सुबह की देवी, रोमन गॉडेस ऑफ डॉन, उनके नाम पर दिया, उनका नाम है बोरेलिस। तो बोरेलिस का मतलब होता है ग्रीक नेम ऑफ नॉर्थ विंड। और इसी तरह से सदर्न विंड का नाम उन्होंने दिया ऑस्ट्रेलिस, क्योंकि साउथ में नीचे की तरफ आप देखो सदर्न हेमिस्फीयर में तो ऑस्ट्रेलिया है, तो ये नाम उन्होंने अपने हिसाब से दिए। और इसके अलावा दूसरा कारण मैंने आपको बता ही दिया कि सूर्य की सतह पर जो चुंबकीय तूफान होता है, उस चुंबकीय तूफान की वजह से ध्रुवीय ऑरोरस यानी पोलर ऑरोरस तो होंगे ही, क्योंकि सूर्य भी अगर आप देखें तो आगे आपको पता चलता है कि सूर्य लेफ्ट साइड के डायग्राम में, कि सूर्य की जो घूर्णन गति है, जो उसकी अपने एक्सिस पर रोटेशनल स्पीड है, वो रोटेशनल स्पीड पोल्स के ऊपर कम है लेकिन इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा है। तो अगर इक्वेटर पर ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है, हवाएं जो हैं वो हवाएं ऊपर की तरफ ही जाएंगी। तो ये एक्सप्लेनेशन आप पूरी तरह से देख सकते हो कि एक ट्विस्टेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है, जो कि फोटोस्फीयर के सरफेस पे जाके बस्ट होती है, और इसके बाद डार्क रीजन बनते हैं, और उन डार्क रीजन को हम लोग कहते हैं सन स्पॉट्स। यानी कुल मिला करके, अगर चुंबकीय क्षेत्र ना बने तो सूरज के ऊपर ये डार्क स्पॉट्स भी नहीं बनेंगे। तो आपको पता चल गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा के बारे में वैसे तो आप लोग सुन चुके हो, लेकिन सुपरनोवा के बारे में बता देता हूँ। इसका आंसर नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। डाइंग स्टार है, एक सिमटता हुआ तारा। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन का मतलब बहुत बड़ा विस्फोट। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ
जो आपको पिंक से कलर में दिख रहा है, रेड से कलर में दिख रहा है, वो एक गैलेक्सी है। और ऊपर की तरफ जो आपको एक विस्फोट के रूप में दिख रहा है नीले कलर में और सफ़ेद कलर में, वो एक एक्सप्लोजन है, जो एक्सप्लोजन किसी सुपरनोवा में हुआ है। तो बेसिकली सुपरनोवा का मतलब ये होता है कि एक्सप्लोजन ऑफ स्टार, किसी भी तारे के अंदर बहुत भयानक विस्फोट, और किसी भी स्पेस में यानी अंतरिक्ष में होने वाला ये सबसे बड़ा विस्फोट है। इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सप्लोजन दैट टेक्स प्लेस इन स्पेस। इसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको अपनी गैलेक्सी से भी ज़्यादा दिखाई देगी, यानी कभी कभी तो इतना ज़्यादा एनर्जी निकलती है कि वो गैलेक्सी तक को आउटशाइन कर देता है। आउटशाइन करने का मतलब उससे भी ज़्यादा चमक जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार लाइक सन, एक पूरी प्रोसेस क्या है सुपरनोवा बनने की। तो आप देखिए, अगर मैसिव स्टार्स हैं, आप नीचे वाले डायग्राम को देख करके समझ सकते हैं, अगर मैसिव स्टार्स हैं मोर देन 8 सोलर मास, तो क्या होता है, ये एक्सपेंड करते हैं, रेड जायंट बनते हैं, और रेड जायंट बनने के बाद इनमें कोर कोलैप्स होता है। कोर कोलैप्स इज लीड्स टू द सुपरनोवा फॉर्म। पॉइंट आपको क्लियर हो गया, इसे आप देख करके पूरी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रिवर लूनी ड्रेन्स इनटू, लूनी नदी सूख जाती है कहाँ, और लूनी नदी सूखती है कच्छ के रण में। डायग्राम समझते हैं इसे। देखिए ये राजस्थान का डायग्राम है, ऊपर की तरफ जहाँ पर जितनी भी आपको लाइंस दिख रही हैं राजस्थान के जिलों को बताती हैं, लेकिन उसके बाद नीचे जो एक लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर, अब हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। ये जो नीचे लाइन है जहाँ पर मैंने रेड कलर से बनाया, ये गुजरात का बॉर्डर है। गुजरात के बॉर्डर में यहाँ ऊपर की तरफ कच्छ पेनिनसुला, और नीचे की तरफ यदि आप जाएंगे तो काठियावाड़ पेनिनसुला। इस तरह से दो पेनिनसुला हैं, दो प्रायद्वीप हैं, छोटे छोटे दो प्रायद्वीप गुजरात में। इसके अलावा आप देख रहे हो कि ये नदी जो है, ये नदी अजमेर डिस्ट्रिक्ट के आसपास से निकलती है, और उसके बाद इस लूनी रिवर में, यहाँ पर इस लूनी रिवर में जोजरी, घुया, बंदी, सुकरी, जवाई, खारी, और लास्ट में जाके सगी, ये सभी नदियाँ धीरे धीरे राजस्थान में मिलती हैं। ये नदी एक ऐसी नदी है जो अपने ओरिजिन से निकलती तो है, लेकिन रन ऑफ कच्छ में जाकर के ख़त्म हो जाती है, मतलब ये समंदर से नहीं मिलती कभी भी ये नदी। बारिश के मौसम में तो इसमें इतना उफान के साथ पानी आता है, लेकिन अगर आप बात करें दूसरे मौसम की यानी गर्मियों की, तो ये सीधे जा करके रन ऑफ कच्छ में ख़त्म हो जाती है। तो पॉइंट आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पर्ल सिटी, निम्नलिखित में से किसे मोतियों के शहर के नाम से जाना जाता है, और इसका सही आंसर है हैदराबाद। नंबर 4 इज द राइट आंसर, हैदराबाद को कहा जाता है मोतियों का शहर। यहाँ पर कोचीन एक शहर दिया हुआ है। मैं एक नाम आपको बता सकता हूँ, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है कोची को। इसके अलावा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के ये देखते हैं आखिर हैदराबाद को क्यों कहा जाता था। वाई हैदराबाद इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ पर्ल्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ निज़ाम। निज़ाम लोगों के समय में हैदराबाद हर तरह के मोतियों का एक हब था, और पूरे विश्व में निर्यात मोतियों का यहीं से किया जाता था। अब चूँकि ये एक ऐसी डेस्टिनेशन थी जहाँ पर हमेशा से अलग अलग तरह के मोती मिलते रहे हैं, इसलिए हैदराबाद को कहा जाता है मोतियों का शहर। आगे बढ़े हम लोग और आगे बढ़ के डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। द फोर्थ एंड द लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वीन्ड बाई, चौथी और अंतिम बौद्ध परिषद किसके द्वारा बुलाई गई थी, और इसका सही आंसर है कनिष्क, आंसर नंबर 2। देखो भाई, जितने भी बौद्ध धर्म के भिक्षु थे, वो भिक्षु अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जब भी किसी राजा के पास जाते थे, राजा को उस धर्म की दीक्षा दिलवाते थे, राजा उस धर्म को पैटर्नाइज करता था, उसका संरक्षक बनता था। और कनिष्क ने भी अंतिम बुद्धिस्ट काउंसिल में बौद्ध धर्म को अपनाकर, जो कि पहले शैव धर्म का अनुयायी था, उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म की महायान शाखा को शुरू किया और महायान शाखा का उपासक बना। महायान वो शाखा है बौद्ध धर्म की जहाँ पर गौतम बुद्ध के मूर्ति की पूजा की जाती है, और हीनयान वो शाखा है बौद्ध धर्म की जहाँ पर गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए संकेत, प्रतीक और उनकी दी हुई शिक्षाओं का पालन किया जाता है। अब देखें आगे बढ़ करके हम लोग ये देखते हैं कि चार बुद्धिस्ट जो काउंसिल हुई हैं वो कहाँ कहाँ हुई हैं। आप देख सकते हो आपके सामने ये डेटा है, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगृह में, बिहार में। अब इसका टाइम पीरियड आपको 400 BC मिलता है, और कई जगह आपको ये 483 BC भी मिलेगा। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अजात शत्रु राजा हुआ करते थे उस समय पर, बिंबिसार के पुत्र थे ये अजात शत्रु, और बिंबिसार हर्यंक वंश का राजा था। महाकश्यप वो बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने इसकी दीक्षा इन्हें दिलाई। और रिमार्क ये है कि उस समय पर जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं वो बौद्ध धर्म के ग्रंथों की भी रचना की गई। ग्रंथ की रचना यानी जैसे त्रिपिटक बौद्ध धर्म में कहे जाते हैं, उनमें से सुत्त पिटक और विनय पिटक को इसी फर्स्ट काउंसिल के बाद लिखा गया था। सेकंड काउंसिल हुई वैशाली में, कालाशोक राजा हुआ करते थे और सबकामी थे बुद्धिस्ट प्रेसिडेंट। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि महासंघिका स्कूल का स्टार्ट किया गया। थेरवाद और स्थिरवाद ये सब सारे के सारे वहाँ पर मौजूद थे। ये अलग अलग शाखाएं हैं बौद्ध धर्म को मानने की। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र पटना में हुई। अशोका द ग्रेट इतिहास के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ये इसके पैटर्न थे। और मुगाली पुत्र थे, वो बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने इन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई। और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में 72 AD। कश्मीर में जो जगह थी उसका नाम था कुंडलवन, वहाँ पर ये हुई थी बुद्धिस्ट काउंसिल। कनिष्क राजा और वसुमित्र जी हुआ करते थे बौद्ध भिक्षु। और बुद्धिज़्म वहीं पर महायान और हीनयान में डिवाइड हुआ था, जबकि तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक के समय पर जब हुई तो वहां अभिधम्म पिटक लिखा गया था, जिसे मेटाफिजिक्स ऑफ बुद्धिज़्म भी कहते हैं या बुद्धिज़्म का अध्यात्मवाद। आगे बढ़े लेकिन उससे पहले राजा महाराजा आजा वैश्य सबका काल है, पटाओ मत आशिक कुंवर जी कंगाल है। ये क्या कहानी है भाई, बुद्धिस्ट काउंसिल को याद रखने का एक बहुत बढ़िया सा तरीका है ये। राजा महाराजा आजा, राजा मतलब राजगृह, महाराजा मतलब महाकश्यप, आजा मतलब अजात शत्रु पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, वैश्य मतलब वैशाली, सबका मीन्स सबकामी, काल मीन्स कालशोका दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल, पटाओ यानी पाटलिपुत्र, मत मुगाली पुत्र तिस, आशिक अशोक तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल, कुंवर यानी कुंडलवन कश्मीर, जी मतलब वसुमित्र जी, और कंगाल मतलब कनिष्क चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल। इस तरह से आप याद रखेंगे आपको हमेशा याद रहेगा, और ये डेटा हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़े हम लोग कि बाबरनामा को किसने लिखा था, बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई। सबसे पहले तो ये जानिए कि बाबरनामा तो आत्मकथा है बाबर की, और जब भी आत्मकथा की बात आएगी तो आत्मकथा को तो खुद स्वयं बाबर ही लिख सकता है। किसी की भी आत्मकथा खुद स्वयं वही व्यक्ति लिखता है जिसकी आत्मकथा होती है, जिसकी भी कथा होती है, जीवनी होती है। अब इस ऑटोबायोग्राफी को लिखा था बाबर ने, याद रखिए। यहाँ पर थोड़ी सी कहानी और है कि इसे कहा जाता था तुजुक ए बाबरी, याद रखिए। ये जो बाबर ने लिखी थी तुजुक ए बाबरी, ये तुर्की भाषा में लिखी थी, और तुर्की भाषा में ये बहुत दिनों तक चलता रहा, जो कि भारत के उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और साथ ही साथ बाबर ने इसमें बहुत ही लीनियंट वे में सब सारी चीज़ों को लिखा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा तुर्रम खान नहीं बताया है बाबर ने। बट अकबर के समय पर अकबर के नौरत्नों में से एक जो नीचे चौथे ऑप्शन में है, अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि बैरम खान के पुत्र थे, अकबर के संरक्षक बैरम खान के पुत्र थे, इन्होंने इस आत्मकथा का यानी तुजुक ए बाबरी का अनुवाद किया था फारसी भाषा में। और वो फारसी भाषा में अनुवाद यानी बाबरनामा तुजुक ए बाबरी का उन्होंने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना ने। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बढ़ करके डिस्कस करते हैं कि भारत में बॉय स्काउट्स और सिविल गाइड्स आंदोलन के संस्थापक कौन थे। और इसका सही आंसर है बैडन पॉवेल। बैडन पॉवेल यानी नंबर वन इज़ द राइट आंसर। आप देख सकते हैं बैडन पॉवेल हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स इंडिया के संस्थापक हुआ करते थे। इन्होंने बॉय स्काउट्स और सिविल गाइड्स का निर्माण किया था। स्काउट गाइड्स एक तरह की समझिए सेवी संस्था है, जैसे NCC की आप बात करते हैं, NSS की बात करते हैं, वैसे ही स्काउट गाइड्स बच्चों के लिए एक सेवी संस्था है, जो कि एक तरह का डिसिप्लिन बच्चों के अंदर इम्पार्ट करते हैं। उस डिसिप्लिन को बच्चों के अंदर डालने की वजह से वो आगे बढ़ करके और बेहतर सिटीजन में फॉर्म हो सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग और डिस्कस करते हैं कि एपिग्राफी का मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, कॉइंस, ज्योग्राफी या एपिक्स। देखिए एपिग्राफी है तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि एपिक्स महाकाव्यों के अध्ययन को हम एपिग्राफी कहेंगे। एपिग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, शिलालेखों का अध्ययन, डिफरेंट डिफरेंट तरह के शिलालेख। ये देखिए आपके सामने इमेज भी मौजूद है यहाँ पर, आप देखें एक तरफ ये शिलालेख है जिसमें एक गाय बनी हुई है, बैल बना हुआ है सॉरी, और इस बैल को कितने बढ़िया तरीके से पत्थर पर उकेरा गया है। इसके अलावा जब पुराने समय में लोग शिकार करते थे, देखिए पत्थरों में किस तरह के साइंस बनाते थे ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले, या वो पत्थरों पर इसलिए साइंस बनाते थे ताकि उन्हें दिशा भ्रम कभी भी ना हो। आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं। ये साउथ इंडियन भाषा में स्क्रिप्ट में लिखा गया एक
शिलालेख है जिस शिलालेख से हमें हमारे एंशियंट इंडिया की जानकारी मिलती है। आगे बढ़े हम लोग, डिस्कस करते हैं कि हु वॉज कॉल्ड एज द डायमंड ऑफ इंडिया, ज्वेल ऑफ महाराष्ट्र, प्रिंस ऑफ वर्कर्स बाय बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने किसे कहा था ये सब? और सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले साहब। गोपाल कृष्ण गोखले साहब प्रखर राष्ट्रवादी थे, ही वॉज अ नेशनलिस्ट पर्सन, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक एक्टिव मेंबर भी थे। इन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1905 में प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। ये एक प्रोफेसर भी थे एंड प्रिंसिपल थे फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे के, और ये नॉन ऑफिशियल मेंबर भी हुआ करते थे ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1902 में। गोपाल कृष्ण गोखले को आप देख सकते हैं, इन्हें गांधी जी का राजनैतिक गुरु भी कहा जाता है। आगे बढ़े हम लोग और आगे बढ़कर डिस्कस करते हैं, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय, भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? और इसका सही आंसर है एम एन रॉय द्वारा दिया गया था ये। और एम एन रॉय जो थे, आप देख सकते हो यहाँ पर हैं, फ्रीडम नॉलेज ट्रूथ आर वैल्यूज टू बी अप्रिशिएटेड टुगेदर बाय लिविंग देम। ये एम एन रॉय साहब का कहना था। एक कम्युनिस्ट पार्टी के एक लीडर हुआ करते थे, इनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय, और इनका बचपन में नाम हुआ करता था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, बाद में इन्होंने ये नाम चेंज किया। 1934 में इन्होंने भारत को ये आइडिया दिया था कि भारत में एक संविधान बनना चाहिए जो संविधान भारतीयों के हिसाब से हो। ये मैक्सिकन कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी थी उसके बहुत बड़े समर्थक हुआ करते थे। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज पनिशेबल अकॉर्डिंग टू, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और इसका अभ्यास निम्नलिखित के अनुसार दंडनीय है, अनुच्छेद नंबर 17, अनुच्छेद 17, इट इज़ द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। याद रखें अनुच्छेद 17 के हिसाब किसी से आप कभी भी अस्पृश्यता यानी छुआछूत नहीं कर सकते, किसी भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, भेद के आधार पर, नस्ल के आधार पर किसी भी तरह के छुआछूत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़कर डिस्कस करते हैं कि द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजंस वर प्रोवाइडेड बाय, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से कैसे प्रोवाइड करवाए गए थे? मौलिक कर्तव्य, क्या बात है, याद रखिए आर्टिकल 51A 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का 42वां संशोधन 1976 में हुआ, और इस संशोधन के जरिए आर्टिकल 51A डाला गया जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा रेकमेंड किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने इसे अनुशंसित किया और अनुशंसा करने के बाद फाइनली आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डाला गया जो कि एक इंसान को अपने देश में रह करके फॉलो करनी ही चाहिए। सो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐसी हैं जो एक इंसान को फॉलो करना चाहिए, और वो 11 मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपके सामने ये मौजूद हैं। इसमें से 10 तो उस समय के थे जिस समय पर इन्हें जोड़ा गया था, लेकिन 11वां ये 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया जिसमें माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं कि द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है, और इसका सही आंसर है एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, याद रखिएगा, और बजट एस्टिमेट को एग्जामिन करने का काम, पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में सजेशन देने का काम पूरा एस्टिमेट कमेटी का होता है, और यही कमेटी रिस्पॉन्सिबल है कि पूरे एग्जामिनेशन प्रॉपर तरीके से किए जाएँ, प्राकलन किया जाए, एस्टिमेट लगाया जाए। आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज जीरो आर, शून्यकाल क्या है? शून्यकाल, देखिए शून्यकाल का सही आंसर जो आप देख सकते हो यहाँ पे वो ये है कि जब भी अत्यधिक महत्व के मामले उठाए जाते हैं, नंबर टू होता क्या है कि अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को अगर कोई बहुत ज़्यादा व्यक्ति, मतलब मैं बात कर रहा हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, किसी भी लोकसभा की बात करें आप या राज्यसभा की बात करें, कोई भी वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, राज्यसभा का सांसद या लोकसभा का सांसद, यदि वो किसी अति महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के
उठाना चाहता है तो उसे 10 बजे के पहले पहले, 10 बजे सुबह के पहले पहले ये अधिसूचना स्पीकर को या राज्यसभा के चेयरमैन को देनी पड़ेगी कि मुझे एक क्वेश्चन उठाना है। हाउएवर ये राज्यसभा के चेयरमैन या लोकसभा के स्पीकर की मर्जी पर है कि वो इस चीज़ को होने देना चाहते भी हैं या नहीं, मतलब वो एक्सेप्ट करने का या डिक्लाइन करने का काम उनका है। जीरो आर में क्वेश्चंस उठाए जाते हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए लोकसभा के वो मेंबर्स जो कि सरकार में हैं उत्तरदायी हैं, उन्हें आंसर देना पड़ेगा। तो आपको जीरो आर का मतलब समझ में आ गया कि जब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाते हैं 10 बजे के पहले पहले इनके बारे में एक सूचना देना ज़रूरी है स्पीकर को या चेयरमैन को। आगे बढ़ते हैं हम लोग और ये पता करते हैं कि भाई क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, बंद अर्थव्यवस्था क्या है। और ये एक्चुअली एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पे ना तो इम्पोर्ट होता है ना तो एक्सपोर्ट होता है। कह सकते हैं आप इसे एक शब्द, वो होगा सेल्फ सफिशियंसी। अगर कोई इकोनॉमी सेल्फ सफिशियंसी पर जोर दे, मतलब कि जितनी चीज़ें हम उगाते हैं, जितनी चीज़ें हमारे यहाँ पैदा होती हैं, हम ना तो कभी किसी से कोई आयात करेंगे ना कभी किसी से किसी को कुछ निर्यात करेंगे, अगर कुछ ऐसा हो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, जैसा कि कुछ समय पहले तक नॉर्थ कोरिया हुआ करता था, बाद में नॉर्थ कोरिया ने भी अपने गेट खोल दिए और साउथ कोरिया के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। बट आपको यही याद रखना है कि क्लोज इकोनॉमी का मतलब ना तो एक्सपोर्ट हो रहा है ना तो इम्पोर्ट हो रहा है, दोनों ही चीज़ें नहीं हो रही हैं। ये आप देख सकते हो, नो इम्पोर्ट्स नो एड, सेल्फ रिलायंट होते हैं ये लोग, कैन डिफेंड इट सेल्फ, है ना, ऑटार्की टाइप की होती, इनके अंदर कोई एक्सपोर्ट नहीं करते, ये आइसोलेशनलिस्ट कह सकते हैं इन्हें। इट इज़ द टाइप ऑफ क्लोज्ड इकॉनमी, ये आप देख सकते हैं। अगर कृषि की बात करें, कृषि, पशुपालन, इंडस्ट्री, पावर, ना ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, डिफेंस, जितने भी क्षेत्र हैं, इंडस्ट्रीज, शिपिंग, इन सभी क्षेत्रों में ये खुद को सेल्फ रिलायंट मानते हैं। आगे बढ़े हम लोग, बैंक रेट क्या है। बैंक रेट इज़ अ रेट एट विच, बैंक दर वह दर है जिस पर एक्चुअली ये एक ऐसा रेट है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंकों को उधार देता है। तो ये आप याद रखिए कि द आंसर इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव्स क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक्स, आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये भी बता दूं आपको, 90 डेज से ज़्यादा के लिए अगर उधार देता है RBI किसी भी वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक को तो उसे बैंक रेट कहते हैं। अगर वो 90 डेज से कम के लिए देता है, लेस देन 90 डेज, तो फिर याद रखिएगा उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट और बैंक रेट के बीच में 25 बेसिस पॉइंट का फ़र्क समझा जाता है। और ये एक कोई ऐसा तो नियम नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति का कि इतना डिफरेंस रखा ही जाए, बट आजकल जनरली इतना रखा जा रहा है। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि व्हाट इज़ द करेंट बैंक रेट एंड व्हाट इज़ द करेंट रेपो रेट, ये भी बताइए मौद्रिक नीतियों में क्या चल रहा है भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे, द मेन फंक्शन ऑफ द एक्जिम बैंक इज, एक्जिम बैंक का मेन कार्य क्या है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जब हम लोगों ने लास्ट के GS के शो में नाबार्ड की बात की थी तब, टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स एंड कटेल इम्पोर्ट्स, यानी निर्यात को बढ़ावा देना, आयात पर अंकुश लगाना। बेसिकली एक्जिम बैंक का मेन काम यही है कि वो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को प्रमोट करे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में बनी चीज़ों को बाहर निर्यात किया जाए और कम से कम बाहर से बनी चीज़ों को देश में आयात करके लाया जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर नेशनलाइजेशन वॉज गिवन द नेम ऑफ, राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कौन सा नाम दिया गया था। और इसका सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी कमाल की कहानी है, यहाँ पर 3 ईयर लिखता हूँ मैं, 1806, 1840 और 1843, 1843। याद रखिए ये वो वक्त हैं जहाँ पर प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना हुई, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ये तीन बैंक लगातार 1806, 1840 और 1843 में बने क्योंकि ये तीनों ही जगहें ब्रिटिश सरकार की प्रेसिडेंसीज हुआ करती थीं, इसलिए इन्हें प्रेसिडेंसी बैंक्स कहा जाता था। और बाद में 1921 में ये मर्ज हो गए, तीनों के मर्ज होने के बाद इनका नाम रखवाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और 1 जुलाई 1955 को इस बैंक को राष्ट्रीयकृत किया गया, क्योंकि 1 जुलाई 1955 को भारत आज़ाद था इसलिए इसका नाम बदल करके रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, इफ़ द प्राइस ऑफ एन इन्फीरियर गुड फॉल्स इट्स डिमांड,
यानी किसी निम्न स्तरीय वस्तु की कीमत गिरती है तो उसकी मांग में क्या फ़र्क पड़ेगा? उसकी मांग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी मांग तो वैसी ही बनी रहेगी, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इन्फीरियर गुड्स की बात कर रहे हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं एक बात करता हूँ, सपोज़ मैं मैचस्टिक की बात करूँ, माचिस, या मैं बात कर रहा हूँ किसी नेस्कैफ़े की कॉफ़ी की, तो नेस्कैफ़े की कॉफ़ी जो आप पीते हैं वो जनरली पैकेट 2 रुपए का एक आता है। नेस्कैफ़े की कॉफ़ी बनाने के लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ओनली आप मिल्क या ब्लैक कॉफ़ी बनाते हैं तो उस समय पर वाटर की रिक्वायरमेंट है, और शुगर यदि आप ऐड करते हैं। आप नॉर्मली नेस्कैफ़े की कॉफ़ी बना करके पी सकते हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 2 रुपए की मिल रही है या 2 रुपए से कम होकर के 1 रुपए की मिल रही है। बिल्कुल आप समझ सकते हैं ना, निम्न स्तरीय वस्तु की कीमत गिरे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ जाए तो इन्फीरियर गुड्स पे फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लो, इस क्वेश्चन का आंसर है रिमेन्स कॉन्स्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फीरियर गुड्स का मतलब ये जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे माचिस हो गया, कॉफ़ी हो गया, चाय की पत्ती हो गया, सिंपल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भारत में ये बिना इसके गुजारा नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि किसी की इनकम बढ़ जाए, तो इनकम बढ़ने पर फिर इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या होगी? तो अगर इनकम बढ़ी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड घट जाएगी। कैसे? जैसे देखिए, नेस्कैफे की कॉफ़ी आज पीते हैं आप, अगर मान लीजिए आपकी इनकम है 15,000 रुपये महीने, अचानक से आपकी जॉब लग जाए और आप 1.5 लाख रुपये महीने कमाने लग जाएं, तो आप स्टारबक्स की कॉफ़ी पीने लग जाएंगे। अगर आप स्टारबक्स की कॉफ़ी पियेंगे तो सिंपल सी बात है, आप नेस्कैफे की कॉफ़ी नहीं पियेंगे। जब जब इनकम बढ़ती है इस चीज़ों की डिमांड घटती है। अगर आप माचिस यूज़ करते हैं घर में और आपकी इनकम 1.5 लाख रुपये हो जाए तो आप लाइटर यूज़ करने लगेंगे, बेहतर मीन्स ऑफ थिंग्स ले आएंगे। अगर बेहतर मीन्स ऑफ थिंग्स लाते हैं आप तो उस समय पर इन चीज़ों की डिमांड घट जाती है। तो होप आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो गया होगा। आज के जीएस शो में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे एजुकेटर नवदीप सिंह, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे मुझे आप सेम यूज़र नेम से फॉलो कर सकते हैं, विच इज़ प्रोवाइडेड ओवर हियर, नवदीप सिंह 003। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी से मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।